नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज मैं अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूँ हमारे एक पेशेंट जिनका स्पर्म मोटेलिटी, जिसे स्पीड कहा जाता है स्पर्म की, वो 10% से बढ़कर 30% हो गई है विद इन 20 डेज में। ये सिर्फ उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा हमने उनको ट्रीटमेंट बताया, जिस तरीके से उन्होंने हमारी एक्सरसाइज को थोड़ा सा समझा, जाना और उसको अपनी डेली रूटीन में लाए और थोड़ा सा डाइट प्लान उनको जो दिया, वो इतनी जल्दी काम कर गया कि 20 दिन में एक पेशेंट के 10% से 20% बल्कि बढ़ गए। मतलब अगर देखा जाए तो 20 दिन है, हर एक दिन का 1% मान के चलो, तो जहाँ पर 10% था वो बढ़कर सीधा 30% मोटिलिटी हो गया। आज समझते हैं मोटिलिटी होता क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मोटिलिटी की डाइट बता दो, मोटिलिटी का ट्रीटमेंट बता दो, सब कुछ तो नॉर्मल है, रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, 60 मिलियन स्पर्म काउंट है, बट मोटिलिटी कम आ रही है। मोटिलिटी कम आ रही है तो इनफर्टिलिटी हो रही है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि मोटिलिटी आपकी बेसिकली स्पीड होती है स्पर्म की, और स्पीड जो होती है स्पर्म की उसको ट्रैवल करना होता है 10 सेंटीमीटर का फैलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए, और फैलोपियन ट्यूब पे जाकर पहुँच कर एग को पेनिट्रेट करना होता है, तभी फर्टाइल होता है कोई भी एग, और फर्टाइल होने के बाद वो प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज इन फर्टिलिटी से रिगार्डिंग। अगर आप फर्टाइल हो, पूरे तरीके से आपके स्पर्म बन रहे हैं, सब कुछ रिपोर्ट ओके है, कोई पस सेल्स नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई यूटीआई नहीं है, उसके बाद भी आपकी मोटिलिटी कम आ रही है, तो उसका रीज़न हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन एज सच नहीं मिल पा रहे जो उनकी स्पीड को बढ़ा सके। क्योंकि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस तो बिल्कुल सही हो रहा है, बट वो इतनी स्पीड नहीं है, इससे हम कह देते हैं कि उनकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो गई है, स्लो हो जाने की वजह से, या फिर जब आप स्पर्म इजैकुलेट करते हो तो उसमें काफ़ी से सारे स्पर्म जो होते हैं वो डेड निकलते हैं, और डेड निकलने का रीज़न भी पीछे यही होता है कि वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाए, या समझ लो तो निकले सर्वाइव नहीं कर पाए। उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण कि उनको टेम्परेचर उस तरीके से नहीं मिल पा रहा जिसमें वो सर्वाइव कर पाए, या फिर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे जिस वजह से उनको होना चाहिए था। जैसे कि आपके स्पर्म सबसे ज़्यादा बेस्ड किस पे बनते हैं, क्या होता है स्पर्म के अंदर, स्पर्म जो होता है वो होता है प्रोटीन बेस्ड। जो प्रोटीन इनटेक जो आप इनटेक करते हैं, चाहे हम प्रोटीन चाहे नॉनवेज से करें, चाहे वेज से करें, या वेजिटेबल्स आप कैरी करते हैं खाते हैं उससे प्रोटीन मिलता है, या नॉनवेज खाते हैं उससे प्रोटीन मिलता है, बट प्रोटीन से बनते हैं आपके स्पर्म, और स्पर्म बनाने के लिए काम करता है आपका पूरा सिस्टम। उस सिस्टम में क्या आता है, उस सिस्टम में आता है आपका खाने का, सबसे पहले जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो होता है मुंह, उसके बाद आपका लीवर, उसके बाद स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन्स। अगर यहाँ पर सारा प्रोसेस ओके है तो आपका 7 स्टेज पे पहुँचती है, 7 धातु, हम जिसे कहते हैं 7 धातु होते हैं शरीर के, आयुर्वेद में बोला जाता है, और 7वें धातु जो होता है वो होता है हमारा प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट को 7th स्टेज पे रखा गया है। अगर बॉडी में कोई न्यूट्रिशन लगते हैं तो वो 7th स्टेज पे जाकर लगते हैं, उससे पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th तक हमारी बॉडी डेवलप होती है, 7th स्टेज पे जाकर हमारा स्पर्म बनता है, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए वहाँ तक न्यूट्रिशन भी पहुँचाने हैं, आपका स्टमक का सिस्टम भी सही करना है। अगर आपको कोलाइटिस है तो आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, या फिर आपको मोटिलिटी कम हो मिल सकती है, या फिर आप IBS के पेशेंट हैं तो उसमें भी देखा जाता है कि आपके स्पर्म काउंट कम मिलते हैं, और या फिर अगर आप डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे, बाहर का जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं और मैदा ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, तब भी चांसेस होते हैं कि आपका स्पर्म मोटिलिटी कम हो सकती है। और अगर आपकी ये लंबे टाइम तक चली आ रही है स्पर्म मोटिलिटी, तो कहीं कहीं केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि धीरे धीरे करके वो सारे के सारे स्पर्म जो इजैकुलेट होते हैं तो वो डेड होते हैं, जिसे हम कहते थे डेड स्पर्म। और डेड स्पर्म मतलब जब आप इजैकुलेट करते हो तो वो सिर्फ कहीं जाते नहीं, किसी 10 सेंटीमीटर का कोई ट्रैवल नहीं करते, बस वो निकलते हैं और वो मरे हुए निकलते हैं, जो कभी फर्टाइल नहीं कर सकते किसी भी फीमेल बॉडी को।
तो यहाँ पर हमने मोटिलिटी के बारे में समझा और मोटिलिटी के बारे में हमने ट्रीटमेंट दिया। मोटिलिटी के हमारे ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिसिंस लगती हैं और दवाइयों के साथ आपका रूटीन और आपकी डाइट, ये सारी मैटर करती है। तो मेडिसिंस जो होती हैं उसमें अगर आप कभी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है या अंग्रेजी इलाज आपने कभी लिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा या जाना होगा कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ वो आपको मल्टी वाइटामिन्स के कैप्सूल्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। मल्टी वाइटामिन कैप्सूल से कभी आपकी मोटिलिटी इम्प्रूव नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मल्टी वाइटामिन आपके, जिसे हम सात धातु बोलते हैं अपनी बॉडी को या आयुर्वेद में जिसे हम कहते हैं सात धातु, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। सबसे पहले हमने अपना ट्रीटमेंट जो है वो फॉरवर्ड करना है या हमने शिफ्ट करना है किसी आयुर्वेद में, और आयुर्वेद वहाँ पर सबसे बेस्ट इलाज माना गया है। तो अगर आपको कैसी भी क्वेरी है अपनी मोटिलिटी के रिगार्डिंग, या आपने कभी देखा हो ओलिगोस्पर्मिया फेस कर रहे हो या एजोस्पर्मिया फेस कर रहे हो या फिर वेरिकोसील्स फेस कर रहे हो, या आपके जो पार्टनर हैं वो पीसीओडी के पेशेंट हैं या पीसीओएस के पेशेंट हैं, ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहे हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जान सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतने शायद आपके दोस्त या मेरे दोस्त वो इन सब चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे और एक राइट जगह पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।